हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हमें ये डाउट रहता है कि हमारे घर में जो भी मीटर की रीडिंग लेने आता है तो वो कौन सी रीडिंग लेता है। वो KWH लेता है, KVRH की रीडिंग लेता है या KVH की रीडिंग लेता है। ये डाउट हमारे सभी के मन में अक्सर रहता है। और ये KWH होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, KVRH क्या है, KVH क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी मीटर के अंदर और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल सिंपल शब्द में आपको समझाऊंगा कि KWH क्या होता है, KVRH क्या होता है और KVH क्या होता है, एक्टिव एनर्जी, रिएक्टिव एनर्जी और एपरेंट एनर्जी। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट और रह जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो KWH है, KVRH है और KVH है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं KWH। तो KWH का फुल फॉर्म होता है किलो वॉट हावर। KVRH में K का मीनिंग होता है किलो, V फॉर वोल्ट, A फॉर एम्पियर एंड R फॉर रिएक्टिव एंड H फॉर हावर एंड देन KVH। KVH का मीनिंग होता है किलो वोल्ट एम्पियर हावर। तो ये तो था, ये जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो आइए देखते हैं ये KWH, KVRH और KVH क्या होता है। इस इमेज के अंदर ये तीनों की तीनों जो एनर्जी है ये अवेलेबल है, क्या आपको दिख रही है? अब आप कहेंगे कि मुझे तो बियर का गिलास दिख रहा है। और जो बियर की दीवाने हैं अब उनकी आंखें थोड़ी खुल गई होगी और कह रहे होंगे कि हाँ, अब जाके इस बंदे ने सही चीज दिखाई। तो चलिए ये तो जोक था, अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर ये जो तीनों एनर्जी है वो अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं KWH की। तो जो ये आपको यहाँ पे ये जो बियर है जिसको एक्चुअल में कंज्यूम किया जाता है उसको कहते हैं KWH। और इसके ऊपर जो ये झाग है, जो झाग बनी हुई है, ये होता है KVRH। ये एक इमेजिनरी एनर्जी है। इमेजिनरी का मतलब है कि ये रियल एनर्जी नहीं है, ये रियल में कंज्यूम नहीं हुई है। तो इसको कहते हैं रिएक्टिव एनर्जी। KVRH का मतलब होता है रिएक्टिव एनर्जी, KWH का मतलब होता है एक्टिव एनर्जी। और इन दोनों को अगर मिला दें तो हमारे पास आ जाता है KVH। KVH का मतलब होता है अपेरेंट एनर्जी। तो आई होप आप इस इमेज से समझ गए होंगे कि KWH क्या होता है, KVRH क्या है और KVH क्या है। लेकिन यहां पे जो ये KVH है ये डायरेक्ट सम नहीं होता है KVRH KVH का। इसका एक फॉर्मूला है, इसको अगले वाली स्लाइड में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्टिव एनर्जी है हमारे पास KWH है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो KWH को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो रहता है V इंटू I इंटू कॉस पाई इंटू टाइम। हमारे पास वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, कॉस पाई मतलब हमारे पास जो पावर फैक्टर जिसको कहते हैं वह कितना है, और उसको अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा KWH। ठीक उसी तरह से अगर KVRH को हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें सेम वोल्टेज इंटू करंट इंटू यहाँ पे कॉस फाई था, यहाँ हमें साइन फाई करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। तो इससे हमारा KVRH जो है कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट में देखते हैं KVH, जो अपरेंट एनर्जी है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अपरेंट जो एनर्जी है वो इन दोनों का सम है, लेकिन वो जो सम है वो अर्थमेटिक सम नहीं है। वो जो सम रहता है वो रहता है पाइथागोरस सम। आपने पाइथागोरस जो थ्योरम है वो पढ़ी होगी। तो इसमें क्या रहेगा कि जो KWH का स्क्वायर प्लस KVRH का स्क्वायर और अंडर रूट। तो इस तरह से हम जो KVH है, अगर हमारे पास KWH और KVRH एक्टिव और रिएक्टिव एनर्जी अवेलेबल है तो हम उससे अपरेंट एनर्जी मतलब KVAH निकाल सकते हैं।
तो अब बात आती है कि जो बिलिंग पर्पज के लिए है, जब हमारा मीटर हमारे घर में लगा होता है, मीटर रीडर आता है, तो कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करके ले जाता है, वो अपने डायरी में एक रीडिंग लिखता है, तो कौन सी रीडिंग होती है, तो वो जो रीडिंग रहती है नॉर्मली जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनके लिए केडब्ल्यूएच रहता है। डोमेस्टिक में मोस्टली केस में केडब्ल्यूएच के ऊपर बिलिंग रहती है। और जो कुछ कमर्शियल कंज्यूमर होते हैं जिनका जो रिएक्टिव लोड है वो काफी ज्यादा होता है, तो उस केस में यूटिलिटी क्या करती है, उनकी जो बिलिंग है वो केबीएच के ऊपर करती है। तो उनके यहाँ जो भी मीटर रीडर आता है वो केडब्ल्यूएच रीडिंग नहीं लेता, वो डायरेक्ट केवीएच, वो केवीएच की रीडिंग लेता है और उसी के ऊपर बिल जनरेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि केडब्ल्यूएच, केवीआरएच और केवीएच ये तीनों क्या होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।